हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग कहता है कि ये टूरिस्ट हैं, लेकिन टूरिस्ट भी आता है तो कुछ दे कर जाता है, लेकिन ये तो आए टूरिस्ट की तरह बिहार विधानमंडल में, और पहली दफा आए हैं, उनका स्वागत हम लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने कुछ बिहार के लिए दिया नहीं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से पुनः मैं कहूंगा कि दिल्ली तो पहुंच ही गए हैं, वहीं से घोषणा तो करें। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। प्रधानमंत्री भले ही पटना आए हो, लेकिन उन्होंने बिहार को कोई सौगात नहीं दिया है, ये कहना है आरजेडी का। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री के आने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भले ही सीएम नीतीश कुमार की योजनाओं की तारीफ की हो, लेकिन बिहार के हित में कोई भी बड़ा फैसला उनकी तरफ से नहीं लिया गया, और ना ही विशेष राज्य के दर्जे दिए जाने पर एक भी लाइन जो है वो पीएम मोदी ने कही। और यही वजह है कि अब आरजेडी जो है वो नाखुश नजर आ रही है, और पीएम मोदी से ये मांग कर रही है कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ऐसे में क्या कुछ कहना है भाई वीरेंद्र का, और किस तरह से वो पीएम मोदी से अपनी ये बड़ी मांग कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, मैं पहले भी कहा था जनता को, आम आवाम को भी और प्रधानमंत्री को भी संदेश दिया था कि जब भी बिहार आवे और बिहार की धरती पर पटना में उतरे, उतरते ही घोषणा करना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मैंने दिया। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के प्रयास से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में जातीय जनगणना कराने का ऐलान हो चुका है, उस जनगणना को पूरे देश में कराने का ऐलान करें बिहार में पटना की धरती पर, और बेरोजगारों को रोजगार दे, तो हमको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग कहता है कि ये टूरिस्ट हैं, लेकिन टूरिस्ट भी आता है तो कुछ दे कर जाता है, लेकिन ये तो आए टूरिस्ट की तरह बिहार विधानमंडल में, और पहली दफा आए हैं, उनका स्वागत हम लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने कुछ बिहार के लिए दिया नहीं। उनके मन में बिहार के प्रति हम समझते हैं कोई मन में ये नहीं है, देने लायक के लिए नहीं है, और बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और देश में जातीय जनगणना बिहार के तर्ज पर होना चाहिए, और बेरोजगारों को रोजगार देने का जो उन्होंने वादा किया था वो आज तक वादा ही रह गया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। हमें बड़ी आशा थी और लोगों की आकांक्षा भी थी बिहार की जनता को कि देश के प्रधानमंत्री आएंगे, बिहार को विशेष रूप से सौगात देने का काम करेंगे। उन्होंने हम लोग का मन छोटा कर दिया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से पुनः मैं कहूंगा कि दिल्ली तो पहुंच ही गए हैं, वहीं से घोषणा तो करें।